हे बच्चे लोग, सो मैं हूं वसीमत खान और आप मुझे देख रहे हो विटामिन बी पे, बी फॉर बायोलॉजी। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, जल्दी से उसको शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है क्या था? हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी, क्योंकि ओवरी की हो चुकी थी, आज बाकी है ओविडक्ट की बात करनी है, साथ साथ में हम लोगों को यूट्रस की बात करनी है और साथ साथ में वजाइना की बात करनी है, तो इन तीनों की हिस्टोलॉजी की बात करनी है। तो जल्दी से टॉपिक का नाम डालते हैं भैया, हिस्टोलॉजी ऑफ ओविडक्ट, हिस्टोलॉजी ऑफ ओविडक्ट। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी ऑफ ओविडक्ट की अगर हम बात करेंगे, तो ओविडक्ट के बारे में सभी को पता था कि जनरली जो ओविडक्ट की, उसको हम लोगों ने चार पार्ट में बांट दिया था। पहला पार्ट यूट्राइन पार्ट था, उसके बाद क्या था, स्थीमस था, उसके बाद क्या था, एम्पुला था, और उसके बाद इन्फंडिबुलम। ये चार पार्ट थे। जिसने भी अब ना देखा हो, जल्दी से वीडियो देख लो ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो जनरली जो ओविडक्ट में बात करेंगे, इसके लिए हम लोग स्थीमस का सेक्शन क्या कर लेंगे, काट लेंगे। तो स्थीमस का जब सेक्शन काटा जाएगा, तो होता यह है कि अगर उसको देखा जाए तो वो थ्री लेयर्ड का होता है। अब वो थ्री लेयर्ड का है तो कौन कौन सा है, तो पहली लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर का नाम हम दे देंगे। तो इसमें जो भैया पहली लेयर है, उसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। क्या नाम देंगे? विसरल पेरिटोनियम। दूसरी लेयर जो होती है, या इसी को मिडिल लेयर बोलते हैं, ये होती है क्या, ये होती है मस्कुलर लेयर। क्या होती है? मसल्स की बनी हुई होती है, इसलिए क्या बोल दिया गया इसको, मस्कुलर लेयर। और ये मस्कुलर लेयर जो होती है, ये जनरली स्मूथ मसल्स की बनी होती है। मतलब ऐसी मसल्स जिन पे हमारा कोई कंट्रोल ना हो, उनको क्या बोलते हैं, जनरली स्मूथ मसल्स बोलते हैं। और जो तीसरी होती है इनर, वो कैसी होती है, वो होती है सीलिएटेड क्यूबॉइडल। कैसी होती है? सीलिएटेड क्यूबॉइडल। समझ में आया? तो ये तीन लेयर थी। अगर बाहर से देखो ओविडक्ट को, तो विसरल पेरिटोनियम होगी, मिडिल आ जाओ तो मस्कुलर लेयर, और अंदर की तरफ अगर आ जाते हैं तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल। और मैंने बताया था कि सीलिया का क्या काम था। ठीक है, अभी फर्टिलाइजेशन में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में जब पहुंचेंगे तो एक बार फिर से सीलिया की बात कर लेंगे, जो कि ओविडक्ट में पाए जा रहे थे। तो ये बात हो गई किसकी, ये हो गई ओविडक्ट की हिस्टोलॉजी। बस इसमें आपको इतनी सी चीजें ही पढ़नी थी। ठीक है, अगला है हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस। तो ये पहला हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ यूटरस। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल वे में मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसको प्लीज यार टफ में मत लेना, बहुत ही आसान है। और कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि अगर आसान है, इतना इजी था, तो बताने की क्या जरूरत थी। बेटा अभी आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अभी सीलिएटेड क्यूबॉइडल की कहानी मुझे आगे बतानी है। ठीक है, तो इसीलिए सीलिएटेड क्यूबॉइडल बता रहे हैं। और हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस की बात करें, तो ये भी क्या होती है, ये भी थ्री लेयर्ड होती है। कैसी होती है? थ्री लेयर्ड होती है। जैसे वो थ्री लेयर्ड थी, वैसे ये भी थ्री लेयर्ड ही होगी। तो अगर थ्री लेयर्ड है, तो इनका, अब देखो यूट्रस एक स्पेशल ऑर्गन है, तो स्पेशल ऑर्गन में जो लेयर्स होती हैं, उनका भी स्पेशल स्पेशल नाम दे दिया जाता है। तो स्पेशल स्पेशल नाम जो दिया गया, उसमें जो पहली लेयर है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, पेरीमेट्रियम। क्या नाम देते हैं? पेरीमेट्रियम। इसमें जो सेकेंड लेयर होती है, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर की तरफ जो होती है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। पहले बोला पेरीमेट्रियम, देन आए मायोमेट्रियम पे, फिर आ जाते एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होती है जनरली अभी विसरल पेरिटोनियम होती, बाहर की तरफ होती है। मायोमेट्रियम मसल्स की बनी होती है, और एंडोमेट्रियम जो होती है, ये दो तरह के टिश्यूज से बनी होती है। अब वो दो तरह के जो टिश्यूज है, अभी उनको हम नाम दे रहे हैं। ठीक है, नाम देने के लिए हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी, यहां पर डायग्राम की। तो जल्दी से जरा डायग्राम इसका बनाते हैं, देखते हैं डायग्राम में क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा डायग्राम होता है। अगर आप बाहर की तरफ देखो, तो बाहर की तरफ यही है, सिंपल सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई क्या थी, पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो ये हमने बनाई क्या, पेरीमेट्रियम। अब पेरीमेट्रियम के बाद अंदर की तरफ आ जाएं, तो अंदर की तरफ यहां पर एक लेयर और होगी, इसको बोलेंगे क्या, मस्कुलर लेयर। ठीक है, ये मस्कुलर लेयर, यहाँ पे दो तरह की मसल्स होती हैं, तो दो तरह की मसल्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी मसल्स होती हैं। ठीक है, तो मैंने तो सिंपली ये बनाया,
और इस तरह से क्रॉस 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 करके बना देते हैं, ठीक है। तो ये दो लेयर्ड बन गई किसकी, मसल्स की। तो मसल्स की लेयर को क्या बोला गया था, मायोमेट्रियम। तो ये जो लेयर थी इट इज पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये जो मसल्स यहां पर बनी है इट इज मायोमेट्रियम। अब अंदर की तरफ के कुछ टिश्यूज हैं उनको हम बना लेते हैं, कुछ अंदर की तरफ के टिश्यूज हैं। अब आखिरी में बची क्या है, एंडोमेट्रियम। और मैंने कहा था कि एंडोमेट्रियम को अभी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जरा देखते हैं किस किस पार्ट में डिवाइड करेंगे एंडोमेट्रियम को। तो इस तरह से मैंने बना लिया, ठीक है। ये जो ये स्पायरली क्वाइल बना रहे हैं, दीज आर ब्लड कैपिलरीज। क्या है, ये है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अंदर की तरफ जो ये लेयर है इसको कहते हैं स्ट्रैटम बेसिलरिस, और ये वाली जो है इसको कहते हैं स्ट्रैटम फंक्शनलिस। स्ट्रैटम बेसिलरिस और स्ट्रैटम फंक्शनलिस को मिलाकर ही क्या कहते हैं, इन दोनों को ही कह दिया जाता है क्या, एंडोमेट्रियम। तो ये ट्रांसफर सेक्शन मैंने काटा था किसका, यूटेरस का, और उसका एक ये छोटा सा पार्ट है। अगर हम कहें कि ये हमने यूटेरस, सपोज दैट कि जो भी यूटरस था, ठीक है, ये पियर शेप जो भी था हमारे पास यूटरस, ठीक है, हमने उसका एक सेक्शन काटा, तो उस सेक्शन का एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखाया है, जिसमें तीन लेयर के बारे में बात हुई है। बाहर की लेयर क्या थी, पेरीमेट्रियम, अंदर की तरफ जो कि मसल्स की बनी है उसका नाम क्या था, मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर की तरफ जो है उसका नाम है क्या, एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम को मैंने दो पार्ट में बांट दिया, एक है स्ट्रैटम बेसिलरिस और एक है स्ट्रैटम फंक्शनलिस, ठीक है। तो पेरीमेट्रियम की बात मैंने बोली कि सबसे बाहर की तरफ होती है, और जनरली क्या होती है, जनरली ये पेरीमेट्रियम कुछ नहीं है, ये विसरल पेरिटोनियम ही होती है, तो उसमें ध्यान नहीं देना है। तो पेरीमेट्रियम को क्या बोल सकते हैं, ये विसरल पेरिटोनियम, ठीक है, वीपी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। आ जाते हैं यहां पर मायोमेट्रियम के बारे में। तो मायोमेट्रियम के बारे में देखें तो मायोमेट्रियम जो है वो मिडिल लेयर होती है, ठीक है, मिडिल लेयर होती है, और मिडिल लेयर होने के साथ साथ ये स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है, ठीक है, स्मूथ मसल्स की है, मिडिल है और साथ साथ में थिक भी है, ठीक है। तो लिख देते हैं यहां पर मिडिल लेयर है और स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। काय की बनी हुई है भैया, ये बनी हुई है स्मूथ मसल। तो अभी मैंने ये बताया कि मायोमेट्रियम के बारे में कि ये मिडिल लेयर होती है और साथ साथ में काहे की बनी होती है, ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि यहां पर जो मसल्स हैं वो कितने तरह की हैं। दो तरह की मसल्स होती है, एक होती है सर्कुलर मसल्स और दूसरी होती है क्या, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो यहाँ पे दो तरह की मसल्स बनी है, दीज आर सर्कुलर मसल्स, और ये अंदर की तरफ जो बनी थी वो मैंने कैसी बना दी थी, वो मैंने लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बना दी थी। तो स्मूथ मसल्स कितने तरह की होंगी, दो होंगी, एक जो होगी वो कहलाएगी सर्कुलर मसल और एक जो होगी वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। तो दो तरह की मसल्स भी यहां पर है, एक सर्कुलर मसल्स है, दूसरी कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। और एक बात है इस मायोमेट्रियम के लिए कि ये प्रेगनेंसी के दौरान बहुत थिक बना दी जाती है, ठीक है। थिक बनाने की एक वजह है कि बच्चे का प्रोटेक्शन करना है, जो यूट्रस में डेवलप कर रहा है फीटस, उसका प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और अगर ये थिकनेस ना हो मसल्स की, ठीक है, अगर ये थिकनेस जो है मसल्स की वो ना हो, तो होता यह है कि फ्रीक्वेंट एबॉर्शन भी हो सकता है। समझ में आई ना बात, कि यहां पर इसीलिए जोर दिया है मैंने यहां पर कि मायोमेट्रियम का जो थिकनेस है वो प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा होनी चाहिए, और अगर थिकनेस ज्यादा नहीं है तो क्या होगा, तो एबॉर्शन भी हो सकता है। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, देन आते हैं हम लोग कहां पर, एंडोमेट्रियम पे। तो इसको थोड़ा सा मैं रफ करना चाहूंगा, ठीक है। तो डायग्राम को देखते हैं इधर वाल हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। अब आ जाते हैं कहां पर, हम लोग एंडोमेट्रियम पे। तो अगर एंडोमेट्रियम पे देखें तो एंडोमेट्रियम में सबसे बाहर की लेयर जो होती है, एंडोमेट्रियम में देखो बाहर की लेयर कौन सी होती है, स्ट्रैटम फंक्शनलिस, और अंदर की तरफ होती है कैसी, स्ट्रैटम बेसिलरिस। तो अगर स्ट्रैटम बेसिलरिस की बात करें, ठीक है, अगर स्ट्रैटम बेसिलरिस की बात करें, बेस पे मौजूद है, बेस पे नीचे की तरफ है, तो इसीलिए बेसिलरिस बोला गया। तो कह रहे हैं कि काहे की बनी होती है, तो स्ट्रैटम बेसिलरिस जो होती है ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, काहे की बनी होती है, नॉर्मली कनेक्टिव टिश्यू की ही बनी होती है। और देखते ये है कि स्ट्रैटम बेसिलरिस जो होती है ये मायोमेट्रियम के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है, यही तो थी मायोमेट्रियम,
ये भैया मायोमेट्रियम ही तो अभी बनाई थी, तो मायोमेट्रियम के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है और साथ साथ में ग्लैंडुलर इन नेचर होती है। कैसी होती है? ग्लैंडुलर इन नेचर, मतलब कुछ ना कुछ सेक्रेट करती है, तो ग्लैंडुलर इन नेचर भी मैंने यहाँ पर इसके लिए बात कर दी। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये कभी ब्रेक नहीं होती, याद रखिएगा, डू नॉट ब्रेक्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो स्ट्रैटम बेसिलरिस की टूटने की वजह से नहीं होती, वो स्ट्रैटम फंक्शनलिस के टूटने की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटम बेसिलरिस प्रेगनेंसी, सॉरी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कभी ब्रेक नहीं होता। ठीक है, अब आ जाते हैं कहां पर, स्ट्रैटम फंक्शनलिस की बात। तो स्ट्रैटम बेसिलरिस की आई होप यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी कि उसकी क्या क्या बातें हैं। ठीक है, तो ये हो गई बेसिलरिस। अब आ जाते हैं स्ट्रैटम, मेन काम उसका है तो इसलिए स्ट्रैटम फंक्शनलिस मैंने बोल दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये जो होती है ये स्पाइरली कॉइल्ड ब्लड कैपिलरी से बनी होती है। कहाँ से बनी होती है? स्पाइरली कॉइल्ड ब्लड कैपिलरीज। तो भैया स्पाइरली कॉइल्ड ब्लड कैपिलरी से बनी हुई है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही इसका ब्रेकडाउन भी होता है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लीडिंग फेज होता है, ठीक है, इसी को मेंस्ट्रुअल फेज भी कहा जाता है। तो ब्लीडिंग फेज के दौरान ही इसका ब्रेकडाउन भी होता है। किसका होता है? वो होता है स्ट्रैटम फंक्शनलिस का। अब बात आपके दिमाग में अच्छे से आ गई होगी क्योंकि अभी हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करनी है तो फिर हमें स्ट्रैटम फंक्शनलिस की बात करना पड़ेगी। ठीक है, अभी आगे चलकर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करना पड़ेगा तो एंडोमेट्रियम की बात हमें फिर से करनी पड़ेगी। ठीक है, ओवम का फॉर्मेशन होगा एम्पुलरिस्थीमिक जंक्शन पे, फेलोपियन ट्यूब में, देन वो जो ओवम, सॉरी, जो जाइगोट बना था, ठीक है, ओवम और स्पर्म का भी जहां पर फर्टिलाइजेशन होना, फ्यूजन होना है, ठीक है, कहां पर होगा? एम्पुलरिस्थीमिक जंक्शन पे होगा। देन उसके बाद क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। देन जाइगोट इंटर करेगा मोरूला में, ठीक है, डिवीजन होगा। देन वो कैसे यूट्रस की तरफ पहुंचेगा? तो उसके लिए हमको ओविडक्ट में जो अंदर की तरफ सबसे लेयर थी, सीलिएटेड क्यूबॉइडल लेयर, उसकी भी बात करनी, इसीलिए मुझे वो वहां पर बताना पड़ा। तो सारे टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर होंगे जब भी आप हर तरह का क्वेश्चन वहां पर आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बस इसीलिए इस पढ़ाई को आसान बनाने की एक छोटी सी कोशिश है ये हमारी, ताकि हमारे बच्चे किसी भी तरह की कंफ्यूजन का शिकार ना हो। ठीक है, तो ये खत्म हुई किसकी, हिस्टोलॉजी ऑफ ओविडक्ट हो चुका था, अभी हिस्टोलॉजी हमने यूट्रस की पढ़ के खत्म कर दी। अब आ जाते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ वजाइना। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी ऑफ वजाइना जल्दी से भैया उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो काम हो गया। अब आ जाते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ वजाइना, तीसरा है ये भैया, हिस्टोलॉजी ऑफ वजाइना। वजाइना की हिस्टोलॉजी की बात करेंगे तो सिंपल, ये भी क्या होती है? थ्री लेयर्ड है। ये भी क्या है? ये भी थ्री लेयर्ड है। अब अगर थ्री लेयर्ड है तो तीनों का नामकरण कर दिया जाए, तीनों को नाम दे देते हैं। ठीक है, ए बी सी नाम यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, पहली जो है वो है विसरल पेरिटोनियम, सेम बात। दूसरी जो थी मस्कुलर लेयर, कौन सी थी? मस्कुलर लेयर, जो बात करनी थी वो बात कर दी। तीसरी जरा देखो, तीसरी जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथीलियम, क्या नाम दिया? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथीलियम। बात समझ में आई? तो ये याद रखना है, ये क्या थी? ये वेजाइना की इनर लाइनिंग है। तो वेजाइना की इनर लाइनिंग क्या है कि बनी है? स्टेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथीलियम। ठीक है, और वेजाइनल कैनाल जो होती है उसके पास कई सारे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फोल्ड भी पाए जाते हैं। तो एक बात लिख लेते हैं यहां पर, वेजाइनल कैनाल हैज मैनी, ढेर सारे हैं ना, तो इसीलिए हैज मैनी लॉन्गिट्यूडनल एंड
ट्रांसवर्स फोर्स, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल फिलहाल तो ये है कि आपको नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं जल्दी से बर्थ कैनाल की, और उसके बाद यहां से रफा दफा हूं आपका, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा पढ़ने का, ठीक है। तो बर्थ कैनाल क्या होती है? दो चीजें मिला के, मतलब सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल को मिला के क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल, ठीक है। तो याद रखिएगा भैया, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल मिलके क्या बना लेगा? मिलके बना लेगा बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल की बात अगर कोई करे तो उसके मुंह पे खींच के मारना, क्या सर्वाइकल कैनाल वेजाइनल कैनाल, क्या बन जाएगा? बर्थ कैनाल। तो बस बात यहीं तक करनी थी, क्योंकि इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस में मेनली बात करेंगे किसकी? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस